ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हजारों लोग रहते हैं, तो मैं एसपी शिमला को बोलूंगा इसमें एक एसआईटी बनाए जिसमें थोड़ा सा फोरेंसिक एक्सपर्ट भी हो ताकि इसमें हम तय तक पहुंच सकें। साथ के साथ दूसरी बात यह है कि यहाँ इतने ज्यादा ईटरीज हैं और इतने ज्यादा होटल्स हैं, इसमें जो बेसिकली गैस है और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है और जैसे कंप्रेसर है फ्रिज का, ये भी हम जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है अथॉरिटीज उनको बोलेंगे काइंडली चेक कर लें, क्योंकि इसके ये तो आप जानते हैं शिमला क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, किसी टाइम भी हजारों लोग यहाँ पर्यटक घूमते रहते हैं, तो सेफ्टी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन पुलिस ने अच्छा रिस्पांस किया है, सिविल अथॉरिटीज ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, आप देख ही रहे हैं पेरीमीटर लगा रखा है इन्होंने ताकि कोई सेकेंडरी ब्लास्ट में, या आप देखें कि जो छत है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई, आगे पीछे भी काफी डैमेजेस हुए हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आई है, तो मैं इन्होंने अच्छा काम किया, थोरोफेयर जो है आवागमन बंद किया है ताकि सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो और सेकेंडरी डैमेज ना हो। कि अब ये तो हिमाचल रसोई के नाम पे एक ईटरी है जिसमें गैस है और जो एविडेंस उस पर आ रहा है उसमें तो गैस स्टोव्स हैं और गैस स्टोव से गैस सिलेंडर्स हैं, तो ब्लास्ट लग रहा है गैस के कारण। बट जैसे किसी भी जांच में जब तक फोरेंसिक जो एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एविडेंस तो यही आया है, लेकिन जब तक अल्टीमेट रिपोर्ट नहीं आ जाती तो हम कोई भी एंगल बंद नहीं करते।